हेलो फ्रेंड्स, कभी कभार हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज सेंड करता है और उस मैसेज को हम रीड करने से पहले ही, मतलब पढ़ने से पहले ही, वो वहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज शो करता है जहाँ लिखा रहता है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड बोल के। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कोई भी अगर आपको मैसेज सेंड करता है व्हाट्सएप पे और सेंड करने के बाद तुरंत वहाँ से, मतलब आपके रीड करने से पहले ही वो वहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो भी आप उस मैसेज को रीड कर सकते हैं। तो वो कैसे रीड करेंगे, मतलब कैसे देखेंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सभी मोबाइल्स पे एक फीचर दिया जाता है, मतलब एक सेटिंग्स दिया रहता है, जिसको ऑन करने के बाद आप इस डिलीटेड मैसेज को भी आसानी से रीड कर पाओगे, मतलब देख पाओगे। तो वो क्या सेटिंग्स है, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, मतलब हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव के साथ। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको एक सेटिंग्स ऑन करना होगा। तो वो सेटिंग्स क्या है अभी देखते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल पे। और सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ सर्च में टाइप कीजिएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो है वो ऑफ दिखाई देगा, मतलब डिजेबल दिखाई देगा, इसे आपको एनेबल कर देना है, यहाँ से मतलब ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आपका काम हो गया, आपको यही सेटिंग्स ऑन करना था। इसके बाद फिर से हम जाते हैं अपने व्हाट्सएप पे और आपको मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा करके ये काम करता है या नहीं। और यहाँ से मैं अपने व्हाट्सएप को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ मैंने और एक मोबाइल ओपन किया है। अभी मैं इस मोबाइल से इस मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज करूँगा, दो तीन मैसेज करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से मैं हाई लिख के सेंड करता हूँ और यहाँ से और एक मैसेज भी सेंड करता हूँ हेलो लिख के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैसेज मैंने सेंड किया है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख गया है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है। और यहाँ से मैं इस मैसेज को व्हाट्सएप पे जाके रीड करने से पहले ही यहाँ से मैं इस मैसेज को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। तो अभी मैं इस मोबाइल पे फिर से व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ और यहाँ इस नंबर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने यहाँ पे दो मैसेजेस सेंड किया है वो भी यहाँ पे दिस मैसेज वर डिलीटेड हो गया है, मतलब डिलीट हो गया है मैसेज। तो अभी मैं इस मैसेज को रीड करके दिखाऊंगा, मतलब कैसे आप देखेंगे इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ फिर से आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना होगा। यहाँ मैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फिर से मैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाई देगा और इसके साइड पे एक डाउन एरो का आइकॉन दिखाई देगा। इस डाउन एरो का आइकन पे आपको टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने मैसेजेस वहाँ से सेंड किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने वहाँ से पहले हाई लिख के सेंड किया था और उसके बाद हेलो लिख के वहाँ से सेंड किया था मैंने, तो वो जो मैसेजेस था वो मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ से उस मैसेजेस को देख पा रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप भी अपने व्हाट्सएप पे डिलीटेड मैसेजेस को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप हमारे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।